हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम पाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम मल्टी थ्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये वो वाला थ्रेड नहीं है जो धागा वाला होता है, ये मल्टी थ्रेडिंग जो प्रोग्राम में यूज़ होता है, उस मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है कि आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं, जो भी सीपीयूज़ होते हैं, उनमें मल्टी थ्रेडिंग की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मल्टी थ्रेडिंग के इंटेल के सीपीयूज़ आते हैं, तो आजकल तो प्रोग्राम भी हमें मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू लिखना चाहिए ताकि आपके सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी थ्योरी क्या है। तो आज हम इस वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं कि थ्रेड क्या होता है, हम लोग थ्रेड को क्यों प्रेफर करते हैं, और उसके बाद फिर हम C++ में एक मल्टी थ्रेडिंग का एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हम कैसे प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट इज़ अ थ्रेड? तो थ्रेड बेसिकली क्या होता है, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एक सीक्वेंस होता है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे एग्जीक्यूशन एक साथ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे कोड के जो कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट सेक्शंस को हम पैरेलली भी रन कर सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कुछ डेटा एक्सचेंज नहीं कर रहे या वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इन केसेस में हम लोग थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं उन सभी सेक्शंस को पैरेलली रन करने के लिए। और थ्रेड्स का एक और फ़ायदा क्या होता है, थ्रेड्स में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फास्ट होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब कि आपका प्रोसेसर अगर एक थ्रेड पे एग्जीक्यूशन कर रहा है तो वो दूसरे थ्रेड पे जब ट्रांसफ़र करता है, दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो वो स्विच होना बहुत ही ईजी होता है और बहुत फास्ट होता है। और थ्रेड्स का फ़ायदा ये होता है कि थ्रेड्स आपके रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सेम स्टैक यूज़ करेंगे, वो सेम रजिस्टर्स यूज़ करेंगे, इसीलिए आपका कोई डेटा ट्रांसफ़र, जैसे क्या होता है कि आपके डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या होता है, प्रोसेसेस को IPC वगैरह के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बट थ्रेड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है और थ्रेड्स को प्रेफर किया जाता है। ये वेबसाइट है C++.com। तो अगर मुझे C++ में किसी भी कंटेनर या फिर किसी भी चीज़ के फंक्शंस या अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जाननी होती है तो मैं हमेशा इस वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आपको डिटेल, जैसे कि जो मैं थ्रेड, हमारा थ्रेड हेडर फाइल है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं वो देख सकते हैं, और हमें सैम्पल कोड भी दिया होता है। तो ये मैं वेबसाइट ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोगों को अगर आप C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर प्रोग्राम। तो पहले हम अपनी हेडर फाइल ले लेते हैं IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए, और फिर हम लोग अपनी थ्रेड हेडर फाइल ले लेंगे, एंड देन यूजिंग नेम स्पेस, स्टैंडर्ड नेम स्पेस इंक्लूड कर लिया हमने, इंट मेन। आपका जो मेन फंक्शन होता है वो भी एक आपका थ्रेड ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ये मेन थ्रेड भी कहते हैं इसे। और फिर उसके बाद हम थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे T1, और थ्रेड का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे T2। तो बेसिकली आपने दो थ्रेड्स क्रिएट कर लिए। अब हम लोग फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो कि ये थ्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे जिन फंक्शंस को। तो लेटेस्ट पहला फंक्शन हो गया सम, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा n, और ये फर्स्ट n नंबर्स का सम प्रिंट करेगा। तो रिजल्ट में हम लोग 0 ले लेते हैं, और फॉर int i=1, i < n, रिजल्ट += i, और फिर सम ऑफ फर्स्ट n रिजल्ट। अब ऐसे ही ये वाला हो गया हमारा पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन प्रॉड ले लेते हैं, जो कि फर्स्ट n नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेगा, और हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में ले लेंगे 1, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। i = 1, i < n++i, रिजल्ट *=i, और cout prod of first ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन। अब हम
इन दोनों थ्रेड्स में ये फंक्शंस पास कर देंगे। पहले वाले में सम पास करेंगे और आर्ग्यूमेंट लेटर्स एन में हम पास करेंगे 5, और दूसरे वाले में हम लोग प्रॉड फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और लेटर्स इसमें भी 5 पास कर देते हैं। तो जैसे ही इनका इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन होगा तभी ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे, और हमें मेन थ्रेड को वेट कराना है जब तक ये दोनों थ्रेड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो हम करेंगे t1.join जिससे कि आपका मेन थ्रेड वेट करेगा t1 के लिए, और t2.join इससे t2 के लिए भी वेट करेगा। एंड रिटर्न 0 फॉर मेन। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपका जो थ्रेड हेडर फाइल है वो C++11 वाले वर्जन में ही चलती है, तो आपको ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड इक्वल टू C++11 और आपके प्रोग्राम का नाम। तो हमारा कंपाइलेशन हो गया, नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम एंड वी सी दैट हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है कि जैसे ही इसने प्रिंट किया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, और जब ये एन प्रिंट करने जा रहा था तभी आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई सम वाले थ्रेड में, जो कि आपका थ्रेड t1 है, और फिर इसने ये प्रिंट कर दिया सम ऑफ द फर्स्ट 5 = 15। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था वो फिर ये जो प्रॉड वाला वो प्रिंट किया इसने बाद में। तो अगर हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करेंगे और ट्राई करते हैं, ये जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसने प्रॉड वाला पहले प्रिंट कर दिया। तो ये आप अगर बहुत बार ट्राई करेंगे तो सम ऑफ द फर्स्ट, ये अब देखिए तो इस टाइम पे ये सही आ गया, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ है कि जब आपका जो थ्रेड वन था वो जब प्रिंट कर रहा था तब उसने पूरा प्रिंट कर लिया, तब तक कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हुई, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई तब आपका ये दूसरा वाला कंप्लीट हुआ। नाउ यू गाइस नो कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे वर्क करती है और हम C++ में कैसे मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने जाके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, और शायद ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर सकता है जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट केसेस दिए होते हैं, और अगर आपका हर एक टेस्ट केस इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है तो ये आपका वहाँ पे भी वर्क कर सकता है, जिससे कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम और इंक्रीज हो सकता है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप हर एक टेस्ट केस को एक सेपरेट थ्रेड में चला के देख सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ताकि आप मेरे और ऐसे वीडियोस देखते रहें। और टेक केयर एंड बाय बाय।